हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही आप लोगों की तैयारी। तो देखो, प्रेजेंट टाइम में हमारे पेपर चल रहे हैं, रिजर्व के पेपर चल रहे हैं। जो कल का पेपर है 29 तारीख का, इससे पहले 2 शिफ्ट हो चुकी हैं। तो ओवरऑल देखी जाए तो पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा, पेपर नॉर्मल लेवल का आ रहा है, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो देखो, पहले हमारा जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था, उससे पहले हमारा कुछ लोगों का विचार था, मैंने बहुत से लोगों से सुना थी ये बात कि अब की बार जो पेपर है उसमें कट ऑफ कम जाएगी, लोग पेपर देने के लिए कम जाएंगे। तो देखो, टोटल 4 पेपर हो चुके हैं 2 दिनों में, 2 2 शिफ्टों में। तो वहाँ से यदि पूरी चीज़ें देखी जाएं, मैं हर सर्वे करता रहता हूँ और जो मैं बात बताता हूँ पूरी ऑथेंटिक बात बताता हूँ, उसके लिए पहले अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं। तो देखो, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट, मैं पूरे पूरे पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने 24 का भी दे दिया आपको, 25 का भी दे दिया आपको पेपर, इसी तरीके से मैं 29 तारीख का भी पेपर दे दूंगा आपको। सारे पेपर दे रहा हूँ मैं, साथ ही साथ मैं एक्सेप्ट अच्छे तरीके से मॉडल पेपर भी बना रहा हूँ। मतलब बहुत ही पूरा पूरा मैं काम कर रहा हूँ अच्छे तरीके से, स्पेशली नेट जरफ पर। तो मैं हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को अपने कनेक्शन में ले रखा हूँ, जिनसे मैं उनसे अच्छे कांटेक्ट में ले रखा हूँ, जिससे उनसे मैं अच्छे तरीके से बातें कर सकूँ, पेपर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले सकूँ। तो देखो, पेपर में 85 से लेकर 90% के बीच में प्रेजेंट है, 85 से लेकर 90% के बीच में प्रेजेंट है। पहले की तरह वही 10% है जो एबसेंट है। हम लोगों की ये विचार था कि लोगों का बहुत दूर दूर तक सेंटर है, हालांकि कुछ लोगों का सेंटर ज़्यादा दूर जा रहा है, जिनके आसपास कोई सेंटर नहीं है, बाकी इतना ज़्यादा दूर भी सेंटर नहीं जा रहा, और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है जिनके आसपास सेंटर नहीं है, तो वो लोग भी पेपर देने के लिए जा रहे हैं। तो जो प्रेजेंट रेशियो है वो 85 से 90% के बीच में, और जो एबसेंट रेशियो है वो 10 से 15% के बीच में। पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट आ नहीं रहा, तो ध्यान रखना वही सिस्टम रहेगा, अब की बार भी उतनी कट ऑफ जाएगी, चाहे तुम देख लेना। हो सकता है कट ऑफ अब की बार बढ़ जाए, मेरे को ऐसा चांस लग रहा है कि पिछली बार की तुलना में कट ऑफ थोड़ा बढ़ने का चांस लग रहा है। उसके 2 3 कारण हैं। देखो, अब जैसे सपोज डेट मैं ज्योग्राफी का पेपर के ले लूँ, तो ज्योग्राफी के पेपर के लिए आज से देखी जाए तो भी 42 दिन बचा हुआ है। कितने दिन? 42 दिन। अब जो पेपर नवंबर नवंबर में होगा, उनके लिए 30 32 दिन तो बिल्कुल सेपरेट बचे हुए हैं, उससे पहले का टाइम बचा हुआ था और लोग सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दो, अब कोई सीरियस होके नहीं पढ़ रहा है, अब कोई ऐसे सोच रहा है कि COVID-19 है, वो है वो है। भाई लोगों, इन सब लफड़ों को छोड़ दो और सीरियस होके पढ़ने लग जाओ। पेपर बिल्कुल पहले की तरह ही होगा, उतनी ही कट ऑफ जाएगी, उतने ही परसेंट कैंडिडेटों को पास किया जाएगा। हो सकता है यदि हम कोशिश करें, हम लोग सपोर्ट करें आपस में एक दूसरे को, और NTA तक बात पहुंचाएं कि अब की बार साल में केवल एक बार एग्जाम करवा रहे हो आप, क्योंकि अब दिसंबर वाला तो होगा नहीं, तो जो ये पासिंग का रेशियो, इसको डबल कर दिया जाए। जरफ समथिंग 12,000 का हो जाएगा उससे, और जो नेट है समथिंग 1 लाख का हो जाएगा। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक वो लोग तो कुछ नहीं करेंगे, हमें आपस में सपोर्ट करना चाहिए। हम लोगों को ये बात वहाँ तक पहुँचानी चाहिए, किसी भी मीडियम से पहुँचाओ, अदरवाइज वो कुछ नहीं करने वाले। तो देखो, ध्यान रखना, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब की बार कट ऑफ कम जाएगी, लोग कम एग्जाम दे रहे हैं, प्रेजेंट जो रेशियो है वो कम है, भाई लोगों, कट ऑफ भी उतनी जाएगी, पेपर भी उसी लेवल का रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो प्रेजेंट रेशियो कट ऑफ हो गई, दूसरी बात ये है कि यदि हम उन तक ये बात नहीं पहुंचाएंगे कि भाई अब की बार डबल रेशियो कर दो, डबल ना तो कुछ तो इंक्रीज करो यार। पहले 6,000 के आसपास का जेरफ में, दिसंबर में 6,000 का जेरफ हुआ था, यदि 12,000 नहीं करते हो तो 8 10,000 तो करो, कुछ तो उसमें इंक्रीज करो। नेट पिछली बार 55,000 का हुआ था दिसंबर में, अब की बार 70 80,000 तक तो पहुंचाओ भाई, 1 लाख नहीं करते हो तो। और वो तब तक नहीं करेंगे ये बात, वो तब तक सुनाई नहीं लेंगे जब तक हम उनको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो क्यों चाहेंगे कि ज़्यादा कैंडिडेट पास हो, सही है ना। तो ये बात हम लोगों को उठानी पड़ेगी, हम लोगों को इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा, और हमें बताना पड़ेगा NTA वालों को कि भाई अब की बार थोड़ा इंक्रीज करो, नेट और जो JRF का जो परसेंट है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी करो, क्योंकि
क्योंकि साल में एक बार ही हो रहा है आपकी बार, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज ये था मेन। तो कुछ लोग सोच रहे थे कि अब की बार कट ऑफ कम जाएगी, वो कम होगा, भाई कुछ नहीं, बिल्कुल दिसंबर जैसा ही हाल रहेगा अब की बार भी, उतना ही पेपर लेवल है, थोड़ा बहुत सिंपल है। तो कुछ लोगों के लिए सिंपल होता है, कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट है। आज भी कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर पेपर फर्स्ट तो बहुत ही डिफिकल्ट था। तो हम अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि कुछ लोगों का जो पढ़ के जाते हैं उनका सिंपल हो जाता है, जो नहीं पढ़ के जाते उनके लिए डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। तो पेपर लेवल भी वही आ रहा है, कट ऑफ भी उतनी जाएगी, प्रेजेंट होने का रेशियो भी उतना ही है। और यदि हम कोशिश नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो भाई जो पासिंग रेशियो है वो भी उतना ही रहेगा। वही 6,000 का जेएफ निकाल देंगे वो, और वही 50-55,000 का जेएफ नेट निकाल देंगे। तो हमें थोड़ी सी एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, और किसी ना किसी थ्रू हमें ये बात एनटीए तक पहुंचानी होगी कि भाई जेरफ में और नेट में थोड़ी थोड़ी सी बढ़ोतरी करो, ठीक है, और अच्छी तरीके से तैयारी करो, बहुत गजब तरीके से। हमें अब की बार रियल में कुछ करना है क्योंकि हमें पूरा 1 साल मिल गया, अब की बार पूरा 1 साल मिला है तैयारी करने के लिए। तो हमें अब की बार रियल में कुछ करना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और जिनको आगे पेपर है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, और जिनका हो चुका उनसे भी मैं ऐसे ही करूंगा कि उनका सभी का जैरफ हो, सभी का बहुत अच्छा रिजल्ट जाए। हालांकि होगा नहीं किसी का भी, सभी का जैरफ किसी हाल में नहीं हो सकता, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि सभी का जैरफ हो, और मैं ये दुआ करूंगा कि सभी का अच्छी तरीके से बहुत बेस्ट रिजल्ट जाए, बहुत बेस्ट पेपर हो सभी का, एक टीचर होने के नाते। तो प्लीज़ सभी के सभी अच्छे तरीके से पढ़ो, जो मेरे से हेल्प होगी मैं 100% कर रहा हूँ आपके सामने, बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा हूँ, मेरे से जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक्स सभी को देखने के लिए, और टेंशन लेने की बात नहीं, कॉन्फिडेंस रखो, तैयारी बहुत अच्छी है आपकी, ठीक है, और पेपर बिल्कुल बढ़िया आ रहा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है कि चलो कुछ नहीं समझ में आ रहा हो। अब जो पढ़ के नहीं जाएगा उसको तो डिफिकल्ट लगेगा पेपर, बिल्कुल और सी बात है, लेकिन जो पढ़ के जा रहा है उसके लिए बिल्कुल सिंपल आ रहा है पेपर, ठीक है। तो थैंक्स देखने के लिए सभी को, बाय।